अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू जायका इंडिया। आज हम शेयर करने वाले हैं कच्चे आम के सूखे अचार की रेसिपी। इसके लिए यहाँ पर हमने 1 kg फ्रेश कच्चे आम लिए हैं। इन्हें हमने पहले ही वॉश करके सुखा कर इस तरह लंबे टुकड़ों में काट लिया है। आप अपनी पसंद से किसी भी शेप में काट सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया है। आप यहाँ पर कांच का या प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर ले सकते हैं। कंटेनर एकदम सूखा हुआ होना चाहिए, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और इसमें ये कटे हुए कच्चे आम हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच हल्दी और 2 चम्मच नमक और 1/4 चम्मच इसमें हम हींग ऐड कर देंगे। और अब इस कंटेनर को बंद करेंगे और अच्छी तरह से हिला हिला कर इसको मिक्स कर देंगे। इस तरह करने से आम का जो खट्टा पानी है वो नमक की वजह से और हल्दी की वजह से रिलीज़ हो जाएगा। और अब हम इसे 2 दिन के लिए धूप में रखेंगे और बीच बीच में कंटेनर को हिलाते रहेंगे। तो ये देखिए, हमने कच्चे आमों को 2 दिन तक धूप में रखा था और बीच बीच में इसको हिला भी लिया था। देखिए, इसमें अच्छा खासा पानी रिलीज़ हो गया है और ये काफ़ी क्वांटिटी में कम भी हो गए हैं कच्चे आम। अब हम इन कच्चे आमों को एक स्ट्रेनर में रख के छान लेंगे ताकि ये नमक का पानी जो है, खट्टा पानी, वो अलग हो जाए। और कच्चे आम को स्ट्रेनर में थोड़ी देर रखे रहने देंगे ताकि ये पानी अच्छी तरह से निकल जाए। ये देखिए, आमों का सभी पानी निकल गया है। आप चाहें तो आम में इस पानी को यूज़ कर सकते हैं अचार में, हम नहीं करेंगे। ये देखिए, आम थोड़े थोड़े सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब एक पॉलिशेड या किसी प्लेट या ट्रे में हम इन्हें फैलाएंगे और तेज़ धूप में सुखा लेंगे। इनकी एक्स्ट्रा नमी निकलने तक इन्हें सुखाएंगे। इनकी स्किन साइड जो है नीचे रखेंगे क्योंकि ऊपर की साइड में नमी ज़्यादा होती है। ये देखिए, सभी कच्चे आमों को हमने एक ट्रे में रख लिया है और अब इन्हें तेज़ धूप में 5 से 6 घंटे तक सुखा लेंगे। जब तक हमारे कच्चे आम सूखते हैं तब तक हम अचार के लिए तेल और मसाले रेडी कर लेंगे। अब एक पैन में हम 1/2 कप सरसों का तेल धुआं निकलने तक गर्म करेंगे। ये देखिए, सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो सबसे पहले हम कलौंजी को रोस्ट करेंगे। ये 2 चम्मच कलौंजी लेंगे हम और इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। कलौंजी को हम साबुत ही डालेंगे, इसे पीस के नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर इसे पीस के डालेंगे तो अचार का कलर भी काला हो जाएगा और अचार थोड़ा सा कड़वा भी हो जाएगा। तो कलौंजी को हम साबुत ही रखेंगे और इसकी नमी निकलने तक इसे रोस्ट कर लेंगे। अब बाकी के साबुत मसाले भी हम रोस्ट कर लेंगे। ये 3 टेबल स्पून है सौंफ, 3 बड़े चम्मच, और 3 टेबल स्पून ही हम धनिया लेंगे, साबुत धनिया। 2 टेबल स्पून है ये ज़ीरा, 2 चम्मच, और 2 छोटे चम्मच लिए हमने पीली सरसों, और 3 टेबल स्पून ही है ये साबुत मेथी, 3 बड़े चम्मच। अब इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे। इनकी नमी निकलने तक हम इन्हें रोस्ट करेंगे और जब हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी तो हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब ये देखिए, मसाले ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें एक मिक्सिंग जार में दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, मसाला पीस गया है। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम बाकी के मसाले भी ऐड कर लेंगे जो पिसे हुए हैं। 1/2 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून है लाल मिर्च। आप अगर तीखा खाते हैं तो मिर्च ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हल्दी और 3 टीस्पून है ये नमक और 1 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर अवेलेबल नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम कलौंजी डालेंगे और इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
तो देखिए ये कच्चे आम जो है अच्छी तरह से सूख गए हैं। अब इनमें बिल्कुल भी नमी नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो नमी है वो बरकरार है। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें 3 टेबल स्पून सिरका। ये वाइट विनेगर है, आप चाहें तो इसमें जामुन का सिरका या गन्ने का सिरका भी डाल सकते हैं। सिरका हम पहले इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि जब हम इसमें मसाले डालें तो वो अच्छे से कोट हो जाएं। अब ये मिक्स किए हुए मसाले ऐड कर देंगे। मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से आप इन मसालों को कच्चे आम में अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और जो भी बर्तन आप यूज़ करें और चम्मच वो बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए। ये देखिए सूखे मसाले जो थे वो हमने चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं, अच्छी तरह से कोट हो गए हैं कच्चे आम के ऊपर। अब ये सरसों का तेल जो हमने गरम किया था ठंडा हो चुका है, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। ये देखिए आम के सभी पीसेस पे मसाला अच्छे से कोट हो गया है। अब इस अचार को हम एक सूखे हुए और धुले हुए जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे कच्चे आम के सूखे अचार की रेसिपी रेडी है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा सिरका या सरसों का तेल और ऐड कर सकते हैं। अचार बनाते वक्त सफाई का ध्यान रखेंगे तो आम का अचार जो है लंबे टाइम तक चलेगा। आप इस अचार को 7 या 8 दिन के बाद खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको अचार की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।